Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. Class 6th history ka chapter 1 continue karenge hum. What, where, how and when. Names of land ki baat karenge. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. India aur Bharat do shabd hain jo hum apne desh ke liye use karte hain naam ke taur pe. Iske alawa ek aur naam hai Hindustan. Ye tino naam kaise padhe Bharat ke wo padhenge hum. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस. इंडस नदी जो है उसकी वजह से भारत का नाम पड़ा है इंडिया. इसको संस्कृत में कहते थे सिंधु. ठीक है, ईरान और ग्रीस देखिए आप मैप में. मैंने आपको जो ओवरव्यू इस चैप्टर की ओवरव्यू वाली वीडियो थी उसमें मैप में मार्क करके दिखा रखा है. ग्रीस और ईरान दोनों वेस्ट में है. द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. ये जो ईरानियन और ग्रीस भारत आते थे इन्हें इंडस नदी क्रॉस करके भारत आना पड़ता था. इन्हें पता था कि इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं पर ये सिंधु नहीं बोल पाते थे. ये सिंधु की जगह कहते थे इंधु या फिर इंडोस. एंड उसकी दूसरा वर्ड जो ये इसके लिए यूज करते थे हिंदू या फिर हिंदोस. तो ये इंडिया का मैप है. मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये इंडस नदी जा रही है. इसको क्रॉस करके इंडिया आना पड़ता था उन लोगों को ऐसे. तो इन्होंने कह दिया कि इंडस नदी के ईस्ट की, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडस नदी के ईस्ट में जितना भी लैंड है जो भी एरिया है वो सभी हमने कह दिए हिंदूस, क्योंकि इन्होंने इंडस नदी का नाम निकाला था हिंदोस. हिंदोस से इन्होंने इस साइड पे रहने वाले सभी लोगों को कहना शुरू कर दिया हिंदूस. जिस चीज को आप हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजन कहते हैं वो एक्चुअली में हिंदू रिलीजन नहीं है, वो एक्चुअली में सनातन धर्म है. ठीक है, इन्होंने एक ऐसा नाम दिया सभी रिलीजन के लिए जो इस एरिया में रह रहे थे, इंडिया के इस लैंड में रह रहे थे उसके लिए. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and were mentioned in the Rigved. आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद में इन लोगों का मेंशन है. एक ऐसा राज्य था जिसका राजा भारत था. भरत, आपने सुना भी होगा शकुंतला और राजा दुष्यंत, उनका जो पुत्र था उसका नाम भरत था. उसके नाम पे उसकी पूरी प्रजा को भारतवंशी या फिर भरतवंशी कहा जाने लगा. और धीरे धीरे पूरे देश में जो आज के दिन हम जिस चीज को इंडिया कहते हैं वहां के सभी लोगों को भारतीय कहा जाने लगा. पूरे लैंड को भारत कहा जाने लगा. ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत. सबसे पहला संस्कृत का वेद है ये ऋग्वेद. ये इसका हम मानते हैं कि तकरीबन आज से 3500 साल पहले लिखा गया था ये. लेटर इट वॉज यूज फॉर अ कंट्री. क्या चीज यूज फॉर अ कंट्री हुई? भारत जो नाम था वो शुरू में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था, बाद में ये पूरे देश के लिए यूज किया जाने लगा. अब वेदों की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वेदास कितने हैं. चार हैं. क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब मैं आपको 5000 या 10000 साल पहले की बातें बता रही हूँ पर मुझे कैसे पता उन बातों के बारे में? हाउ डू आई नो सो मच अबाउट द हिस्ट्री? हाउ डू आई नो सो मच अबाउट द पास्ट? अतीत का इतना ज्ञान मुझे कैसे है? मुझे ज्ञान है एक ऐसी चीज की वजह से जिसे हम कहते हैं सोर्स. क्या कहते हैं हम उसे? सोर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोर्स. सोर्स क्या है? स्रोत. कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें अतीत के बारे में कुछ क्लू मिले उसे हम कहेंगे सोर्स. सोर्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं. तीन प्रकार और भी ज्यादा होते हैं लेकिन इस चैप्टर में हम तीन प्रकार के सोर्सेस पढ़ने वाले हैं. क्या क्या? एक हम पढ़ेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, एक हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन एंड एक हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं. ठीक है, वन इज टू सर्च फॉर देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. आज से बहुत सैकड़ों हजारों साल पहले जो भी कुछ
लिखा गया है, कोई भी हिस्ट्री जो लिखी गई है, हम उसे पढ़ सकते हैं डायरेक्टली उस टाइम के बारे में पता करने के लिए। उस उन लिखी हुई चीज़ों को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। किताबें ऐसी जिनको हम पढ़ सकते हैं उन्हें कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। इन्हें हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि लैटिन में जो मनु शब्द है उसका मतलब होता है हैंड। दीज वर हैंड रिटन। मनु का मतलब हो गया हैंड एंड स्क्रिप्ट का मतलब हो गया लिखना। इट मीन्स समथिंग दैट इज रिटन। सो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी समथिंग दैट इज रिटन बाय हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बर्च। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये दो तरीके की चीज़ों पे लिखी जाती थी। सबसे पहली है हमारी पाम लीफ जो कि आपको पीछे दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज द पाम लीफ। इसके अलावा ये लिखी जाती थी बर्च ट्री की बार्क पे। एक हिमालयाज में ऐसा पेड़ उगता है जिसे हम कहते हैं बर्च ट्री, उसकी जो ट्रंक है उसकी बार्क, उसकी जो छाल है उसे छील छील कर कागज जितना पतला हम उसे छीलते हैं और उसके ऊपर हम लिखते हैं, उस चीज़ को भी कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये चीज़ें जो है ना ये ऑर्गेनिक है, पत्ता है एक तरीके से, पाम लीफ जो है पत्ता ही तो है, पेड़ की छाल है, उस पर आप लिख रहे हो, वो ज़्यादा सालों तक सर्वाइव नहीं करेगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसे। लेकिन बहुत सारा साहित्य ऐसा हमारा है जो आज के दिन भी जिंदा है, प्रोटेक्टेड है और उन्हें मंदिरों में मोनेस्ट्रीज में हमने संभाल कर रखा हुआ है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सभी तरीके के सब्जेक्ट्स थे इन किताबों में, रिलीजन से लेकर, योगा से लेकर, मेडिसिन से लेकर, सब कुछ था इसमें, आर्ट आर्ट क्राफ्ट सब कुछ। ओके, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, SSC वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फ्यूचर में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अभी से कि 6-7-8 साल बाद आप नौकरी करेंगे, तो आप को ये क्वेश्चंस अभी से रट लेने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी भाषाओं में लिखे जाते थे। सबसे पहली है संस्कृत, दूसरी है प्राकृत, तीसरी है तमिल। 3 लैंग्वेजेस हो गई। अब इन 3 लैंग्वेजेस में से एक ऐसी लैंग्वेज है जो अमीरों की भाषा होती थी, जो सिर्फ अमीर लोग बोलते थे, हायर क्लास के लोग बोलते थे, और वो है संस्कृत। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, यानी जो सपोजिडली ऊपर के दर्जे के लोग होते हैं उन्हें कहते थे, वो लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे उसको कहते हैं संस्कृत। जो आम जनता थी उसकी भाषा थी प्राकृत। ओके, संस्कृत, प्राकृत और तमिल जो है वो साउथ इंडिया में बोली जाती थी। क्लियर है? वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Metal या फिर पत्थर, कोई धातु या फिर पत्थर के ऊपर खोद खोद कर, ऐसे गोद गोद कर, चुभा चुभा कर लिखी गई चीज़ों को कहते हैं inscription. ये देखिए, ये एक inscription है, पत्थर के ऊपर ऐसे खोद खोद के लिखा गया है। आप ना अपनी मम्मी की या दादी की ना शादी के जो बर्तन हैं, नानी दादी के जो शादी के बर्तन आए होंगे डाउरी के तौर पे, उन पे चेक करना, उन पे ना नाम मिलेंगे लिखे हुए, वो नाम भी एक तरीके से इंस्क्रिप्शन है। हार्ड चीज पर अगर कोई भी हार्ड सरफेस है उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है उसे कहते हैं क्या? इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। मान लीजिए मैं दिल्ली की रानी हूं, मुझे अपनी जनता तक कोई मैसेज कन्वे करना है और फोन वगैरह नहीं है, हमारी सोसाइटी में फोन वगैरह हम यूज नहीं करते, तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है एक ऐसा चौराहा है शहर में जहां से मेरी जनता जनरली दिल्ली आती जाती है, तो मैं एक बड़ा सा पत्थर ले आऊंगी, उसके ऊपर अपना मैसेज ऐसे इंस्क्राइब करवा दूंगी और उस पत्थर को उस चौराहे पे रखवा दूंगी, तो कोई भी आता जाता व्यक्ति उस मैसेज को रीड करेगा और मैं जो अपनी जनता से कहना चाहती हूँ वो मेरी जनता को पता चल जाएगा। इसी तरह से आज से 3000 साल पहले के जो राजा है वो जो मैसेजेस या जो ऑर्डर्स उन्होंने अपनी जनता को देने थे वो पत्थरों पर लिखवा कर चौराहों पर खड़े करवा देते थे। आज के दिन हमें वो पत्थर मिलते हैं और हमें पता चलता है कि उन राजाओं की सोच कैसी थी, मेंटालिटी कैसी थी। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मेन वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, अभिलेख ऐसे भी हैं जिन पे राजा रानी या फिर जो आम जनता, पढ़ी लिखी जो जनता थी, वो अपने रोजमर्रा के काम लिख जाती थी।
फॉर एग्जाम्पल राजा बता देंगे अपने इंस्क्रिप्शन में कि मैंने फलानी बैटल जीती, मैंने धनकानी बैटल जीती, मैंने उस राजा को हरा दिया, ठीक है, ऐसी ऐसी अपनी बढ़ाई की बातें लिखवा जाएंगे. कैन यू थिंक ऑफ सम एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेस एंड वॉट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज. एडवांटेज क्या होगी भाई हार्ड सर्फेस पे लिखने की? सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी, वो चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होगी, कीड़े मकोड़ों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा, डिफिकल्टी क्या होगी? अब एक हार्ड सर्फेस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है. There are many other things that were made and used in the past. अगर पास्ट में आते 3-4 हज़ार साल पहले एक पूरी फैमिली रह रही है किसी घर में, तो वो बर्तन भी यूज़ करेगी, वो कपड़े भी यूज़ करेगी, वो जो खाना खाएगी शायद कभी उस खाने के भी एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं. यूं के यूं शहर पता है हमें मिट्टी के नीचे दबे हुए मिले हैं, लोगों के घर दबे हुए मिले हैं जो आज से 3-4 हज़ार साल पहले जिनमें लोग रहा करते थे. लोगों के बाथरूम ऐसे मिले हैं जिसमें मतलब अभी भी आपको पूरा सीवेज सिस्टम कनेक्टेड दिखाई देगा. ऐसे किचन्स मिले हैं लोगों के जहाँ पे जले हुए ग्रेन्स के, जले हुए गेहूं वगैरह के अवशेष मिले हैं, कपड़ों के अवशेष मिले हैं, कपड़ों के जो निशान होते हैं वो मिले हैं हमें, बर्तन मिले हैं, ऑफकोर्स बर्तन तो मिलेंगे ही, मटके मिले हैं, बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं. सो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. जो लोग इन एविडेंसेस को, खुदाई में निकले हुए इन सभी एविडेंसेस को जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. ये जो पूरी पढ़ाई है जिसमें हम पुरानी पुरातत्व टाइम की चीजें पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी. देखो आर्कियो वर्ड जहां आ जाए ना उसका मतलब होता है बहुत प्राचीन, वेरी 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 ओल्ड या फिर एंशियंट. आर्कियो वर्ड कहीं पे भी आ जाए आप समझ लेना वो कोई पुरानी चीज की बात करते हैं. क्लियर है? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एक्सकैवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स, अदर्स ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. कोई भी चीज़ आप देखिए, अगर कोई आपने ऐसी चीज़ आपके घर पे है जो 4-5 दिन में ख़राब हो जाएगी जैसे कि खाना, तो वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करेगा. लेकिन अगर आपके घर में कोई ज्वेलरी है वो आज से हज़ारों साल बाद भी वैसे ही रहेगी. क्लियर है? ये देखिए इस तरीके के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे कि एक मटका है जो आज से 4-5 हज़ार साल पहले यूज़ होता था, ये कॉइन है जो आज से तकरीबन 2,500 साल पहले यूज़ होते थे ये कॉइन्स. ऐसे Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. देखिए archaeologists जो हैं वो जानवरों की हड्डियाँ या फिर पक्षियों की हड्डियाँ भी ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या खाना खाते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमें शहर मिला है यूं का यूं और उस शहर में बहुत सारी मुर्गियों की हड्डियां हैं, ओके, चिकन के जो लेग पीस वगैरह होते हैं वो मिले हैं, तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 3,000 साल पहले लोग चिकन खाते होंगे. समझे आप? इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कौन से जानवरों को पालते थे, कौन से जानवरों को खाते थे, किस जानवर से क्या काम करवाते थे. सो आर्कियोलॉजिस्ट इन सारी बातों से अपने कंक्लूजन्स डिराइव करने का प्रयास करते हैं. So this was all for this video. I hope you enjoyed this video. In the next video, maybe probably we will be completing this chapter. Thoda sa bacha hua hai. And this was all for this video. This video was presented to you by Schoolzy, India's first online school. Mera naam hai Amrit Kaur Pilania. Aur milte hain agli class mein. Tab tak ke liye bye bye.